चले जाए, रोकता कौन है? वो तो पुराने दल बदलू है, कोई नए थोड़े ही है। दुष्यंत को 47,500 वोटों से वहाँ से जिताया है लोगों ने। गठबंधन अगर टूटता है तो क्या रहेगा पार्टी का? नहीं टूटेगा, गठबंधन स्मूथली चल रहा है, आपको कोई तकलीफ है? संकेत दिया है कि वो जाना सीट में चुनाव जो है वो लड़ेंगे और अलग पार्टी या फिर कांग्रेस जाने में भी संकेत दिए हैं, क्या कहना चाहोगे? चले जाए, रोकता कौन है? वो तो पुराने दल बदलू है, कोई नए थोड़े ही है। गुजाना सीट पे भी दावेदारी पेश की उन्होंने अपनी। दावेदारी तो कोई करे, प्रजातंत्र में फैसला जनशक्ति करती है और लोगों ने निर्णय किया हुआ है। दुष्यंत को 47,500 वोटों से वहाँ से जिताया है लोगों ने। 3 निगमों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां, क्या पार्टी अपने निगम नगर परिषद की भी कुछ चुनाव होने हैं, उसके लिए भी पार्टी तैयार है। संगठन पे हमारा काम चल रहा है। रैली को लेकर न्यौता दे रहे हो, गाँव गाँव जाया। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी रैली होगी, क्या कहना चाहिए? रैली में तो हमने पहले भी अपने बनाए हुए रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं और आपको भी निमंत्रण देता हूँ कि आप भी आना, देखना और रैली कवर करना। गठबंधन को लेकर भी लगातार कई बार जो है दोनों नेताओं के बीच में अलग अलग से बयानबाजी आती रही है, उसको लेकर भी क्या कहना है? बार बार गठबंधन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में है और उनमें कोई संशय नहीं है, दोनों इस बात को क्लियर कर चुके हैं। और गठबंधन अगर किसी ने किया तो अनुराग जी ने आपको स्पष्ट कर दिया था सोनीपत में कि अमित शाह जी के और दुष्यंत चौटाला के बीच में हुआ है और उसको तोड़ने का अधिकार भी किसी का है तो वो अमित शाह जी का है। तो गठबंधन अगर टूटता है तो क्या रहेगा पार्टी का? नहीं टूटेगा, गठबंधन स्मूथली चल रहा है, आपको कोई तकलीफ है? नहीं। जब गठबंधन हुआ, सरकार बनी, तब हमारे राजनीतिक विरोधी कहते थे ये तो 15 दिन की सरकार है, कोई कहता था महीने की सरकार है। 3.5 साल तो हो गए और 1.5 साल इसी तरह मजबूती से चलेगा।